नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। आलमगंज थाना क्षेत्र के पंचशील उच्च विद्यालय के पास से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लूट की योजना बना रहे दो लुटेरे को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस, धारदार चापड़, चोरी का यामहा मोटरसाइकिल और लूट कर 2 मोबाइल बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों की पहचान अगमकुआ इलाके का रहने वाला कुख्यात अपराधी राजा कुमार उर्फ ढड़न और विशाल उर्फ नेपाली के रूप में किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों गिरफ्तार अपराधी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि दोनों मिलकर राहगीरों से लूटपाट करने की योजना बना रहे थे। पुलिस का यह भी कहना है कि दोनों कुख्यात अपराधी हैं और कई आपराधिक कांडों में कई बार जेल भी जा चुके हैं। इस बार भी लूट कांड में सजा काट कर जेल से बाहर आए थे। देखिए, कल शाम को आगमकुआं थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि राजा कुमार और एक उर्फ ढंडन पिता कल्दू यादव और विशाल कुमार उर्फ नेपाली पिता रंजीत यादव, ये लोग पंचशील स्कूल के पास खड़े हैं और कोई घटना आपराधिक घटना का अंजाम देने के लिए वहाँ पर मोटरसाइकिल से खड़े हैं। तो इनके द्वारा छापेमारी करके इन लोगों को पकड़ा गया। तो इनके पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा गोली, एक मैगजीन, एक चापर और लुटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ और एक मोटरसाइकिल यामाहा कंपनी मोटरसाइकिल थी जिस पर ये लोग थे। और इन लोगों का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। आगमकुआं थाना में ही चोरी छिनछाई के इनके पास कम से कम 4-5 केसेज हैं दोनों के ऊपर। पूर्व में कई बार जेल भी गए हैं और अब ये जो कल गिरफ्तारी हुई उसके आलोक में 618-18 आगमकुआं थाना में केस दर्ज करके शिवम पेट्रोल पंप के सामने गली में रखते हैं थाना। क्या क्या बरामद हुआ है सर इससे? मोबाइल बरामद हुआ है, 2 लूटा हुआ, एक पिस्टल है, 3 गोलियां हैं और एक चापर बरामद हुआ है।